नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष कलीम खान के नेतृत्व में सपाइयों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर लखीमपुर खीरी में बर्बरता पूर्वक कैबिनेट मंत्री अजय के पुत्र मनीष द्वारा किसानों पर बर्बरता पूर्वक गाड़ी चलाकर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचकर सपा नेताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सपा जिला अध्यक्ष कलीम खान ने कहा कि किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य के आगमन से पहले किसान कॉलेज से लेकर हेलीपैड पर पहुंच गए थे। वहीं सीपीआई के बेटे मनीष ने किसानों पर बर्बरता पूर्वक गाड़ी चढ़ाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। यह सरकार नौजवान किसान विरोधी है, इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। अन्नदाता जो आज 10 महीने से देश के बॉर्डर पर लगा हुआ है, उनके साथ यह बर्बरता पूर्वक व्यवहार निंदनीय है, जिसके विरोध में सपा ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पूर्व जिला प्रमुख नवाब सिंह यादव ने कहा कि यह सोची समझी साजिश के तहत किसानों को कुचल दिया गया है। तानाशाही सरकार अपना इस्तीफा दे, हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है के साथ राज्यपाल संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट हरिराम यादव को दिया। इस मौके पर नीलू यादव, राजीव यादव, जिशान कुरैशी, गुप्रान अहमद आदि कई लोग उपस्थित रहे। सीबू सैनिक की रिपोर्ट। आज माननीय अध्यक्ष जी के अलीम खान के नेतृत्व में हम सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार आए हैं, जो सत्ता मद में भारतीय जनता पार्टी ने देश के अन्नदाता, देश के पालनहार, पेट भरता सत्ता मद में चूर होकर उनके गाड़ियां चला दी। वो लोकतांत्रिक ढंग से विरोध कर रहे थे सत्ता मद में, अभी गाड़ी पलटती थी, अब तो किसानों पे गाड़ियां चढ़ने लगी हैं। आप सब लोग बच के रहिए, कौन भाजपाई आ जाए आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा दे। हम समाजवादी लोग किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं, और इस जिस्म में जब तक खून का कतरा है, अन्याय के खिलाफ किसानों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। अखिलेश जी को वहाँ हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया। ये सत्ता मद में चूर सरकार पत्रकारों की कलम बंद करती है, नेताओं की जुबान बंद करती है। जब अत्याचार बढ़ जाता है, इतिहास इस बात का गवाह है, हर तानाशाह अपनी कब्र का इंतजाम स्वयं करके जाता है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।